Welcome to our YouTube channel Senra Advanced Education. Today we will study of mathematics class 7th और आज हम study करेंगे exercise 1.1 question number 22. Exercise 1.1 question number 22. Express of the following numbers as the sum of two odd primes. यहाँ पर हमें कुछ numbers दिए गए हैं A, B, C, D, E parts. कि इन सभी नंबर्स को हमें करना क्या है, हमें बनाने हैं इनके सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स, यानी कि ये जो नंबर 64 हैं, 100 हैं, 96 हैं, इनके दो पार्ट करने हैं, जिन दोनों पार्ट्स दो नंबर्स का एडिशन 64 हो और वो दोनों नंबर्स जो हैं वो ऑड प्राइम्स होने चाहिए. तो ये देखते हैं, हम करते हैं पार्ट ए. 64 को नंबर 64 के टू पार्ट्स जो कि हमारे ऑड प्राइम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 22. एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू प्राइम्स. यानी कि हमें क्या करना है, दिए गए नंबर जो हमारा नंबर दिया गया है उसके ऐसे टू पार्ट्स, ऐसे टू पार्ट्स करने हैं, टू नंबर्स हमें लिखने हैं जिनको ऐड करने के बाद हमारा दिया गया नंबर हो एडिशन, और दोनों ही जो नंबर्स हैं हमारे वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए. राइट, प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, जैसे कि आप जानते हैं प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, जो नंबर्स केवल और केवल या तो वन से डिवाइड होते हैं प्रॉपरली या फिर अपने आप से होते हैं, बाकी किसी नंबर से वो डिवाइड नहीं होते. उनका डिवाइजर या तो वन होता है या फिर वो नंबर खुद होते हैं. जैसे हम बात करें नंबर टू, सबसे हमारा छोटा प्राइम नंबर होता है, ये नंबर या तो वन से वन का मल्टीपल होता है, ओके, वन टू जै टू, या फिर वो नंबर खुद का मल्टीपल होता है, ओके, टू वन जै टू. राइट, तो इस तरह से हमारे और भी नंबर्स हैं, थ्री हैं, फाइव हैं, सेवन हैं, अलेवन हैं, तो इस तरह के नंबर्स हमारे क्या होते हैं, सभी प्राइम नंबर्स होते हैं. तो वैसे हमें करना है 64 को टू नंबर्स में. तो ऐसे हमारे 64 के जो नंबर्स होंगे, 64 को हमें टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. 64 इक्वल टू 11 प्लस 64 को लिख सकते हैं 11 प्लस 53, क्योंकि 11 और प्लस 53 क्या होंगे, 64 होंगे. 11 भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर जो है, जो हमारा इसका प्रॉपर्टी डिवाइजर है, या तो वन है या फिर 11 खुद है. इस तरह से 53 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि या तो वन से करता है या केवल अपने आप से करता है. सो 11 प्लस 53 इक्वल टू 64. सो द नंबर रिक्वायर्ड टू प्राइम नंबर्स आर 11 and 53. बिल्कुल सेम इसी तरह से हमारा जो पार्ट बी है 100 का हमें निकालने हैं. ऐसे टू प्राइम्स नंबर जिनको ऐड करने पर 100 आता है और दोनों ही जो नंबर्स हैं हमारे प्राइम नंबर्स हो. इसी तरह से हम कर सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं इक्वल टू 83 प्लस 17. यहाँ पर देखिए 83 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसका जो प्रॉपर डिवाइजर है या तो वन है या फिर वो नंबर इटसेल्फ यानी कि खुद है 83. इसी तरह से हमारा 17, इसका जो प्रॉपर्टी डिवाइजर है वो वन होता है या फिर 17 होता है, बाकी किसी नंबर से नहीं करते ये. सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 83 एंड 17. Required two prime numbers are 83 and 70. Question number 22 के parts C, D and E are same as
एंड बी पार्ट्स, तो बिल्कुल वैसे ही आपको करना है, चेक करना है कि कौन से नंबर्स ऐसे टू नंबर्स जिनका एडिशन दिया गया नंबर हो और दोनों ही नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स हों। नाउ वी टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ओके, यहाँ पर हमें दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम से आप समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए इस फैक्टर में। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट वन। क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमें जो नंबर दिया गया है, इस नंबर को हमें प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। हम इसके दिए गए नंबर्स के सबसे पहले करेंगे फैक्टर। फैक्टर करने आपको आते ही हैं। 512 की हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर किस तरह से करते हैं देखते हैं। इसको यूनिट प्लेस वैल्यू हमारी 2 है। अगर हमारे यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर होता है, जैसे 0, इवन नंबर है 2, ओके 0 होल नंबर हो गया, 0 भी होता है तब भी हम 2 से डिवाइड इसको कर सकते हैं। इवन नंबर है जैसे 2, 4, 6, 8, ओके, तो हम इस तरह के नंबर्स को 0 से हमारे वो 2 से हमारे डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को 2 से करेंगे इसके फैक्टर। देखिए किस तरह से, 2 2 जा 4, कि 5 है, 2 2 जा 4, 4 टाइम चल गया, 4 हो गया, और 5 में से 4 गए तो बचा 1, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 11 हो गया। एंड 2 5 जा 10, फिर से 1 बच गया, इधर 12 हो गया है, 2 6 जा 12, राइट। तो हम इस तरह से फैक्टर्स में करेंगे। अभी हमारा जो इवन नंबर है वन स्पेस यानी कि यूनिट स्पेस पर, फिर से ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 जा 2, एंड 5 है यहाँ पर, कुछ बचा नहीं, इधर कंप्लीट 2 डिवाइड हो चुका है, 2 2 जा 4, 1 बचा 16, 2 8 जा 16, इसी तरह से 2 6 जा 12, ओके, एंड 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एंड 2 2 जा 4, नाउ 2 1 जा 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, तो 2 8 जा 16, नाउ 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, एंड 2 1 जा 2। सो दीज आर द फैक्टर्स। और आप यहाँ पर देख रहे हैं हमसे बोला गया है कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सो 2 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, जो कि सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। सो वी कैन राइट दिस 512 के फैक्टर जो है हमारे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने टाइम्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स है, तो 9 टाइम्स इसको लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 टाइम्स हमने 2 को लिख दिया है। दैट इज द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 512। नाउ वी चेक आउट द पार्ट बी। इसका बी जो पार्ट है हमारा 4125 के हमें करने हैं प्राइम फैक्टर्स। बिल्कुल सेम वे में हम उसी तरह से इसको भी फैक्टर करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है हमें, हमारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर होंगे वो प्राइम नंबर ही होना चाहिए, जिससे हम इसको इसके फैक्टर करेंगे 4125। ओके, सबसे हमारी जो यूनिट प्लेस वैल्यू है दैट इज 5। अभी 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पर हमारा ऑड नंबर है और वो 5 है। रूल ये कहता है अगर यूनिट प्लेस वैल्यू हमारी 0 या 5 है तो वो या तो वो नंबर हमारा 5 से ही कट होगा, राइट। तो देखते हैं कुछ ऐसे कंडीशंस में ये जो रूल है अप्लाई होता है। बाकी अदर नंबर से भी हम यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तो वो भी कट हो सकता है, जैसे 15 है 3 से कट हो जाता है। तो यहाँ पर हमें इसको कट करना है, देख लेते हैं अगर 3 से कट होगा तो। ये पहले चेक करते हैं 3 से, ओके, सो 3 1 जा 3, 1 बचा 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 बचा 22, राइट, 3 7 जा 21, 1 बचा 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, देखिए 3 से डिवाइड हो चुका है, ओके, वी कैन डिवाइड इट बाय द 3 ऑल्सो। तो 3 से हम इसे फैक्टर कर लेते हैं,
देखना ये है कि क्या ये नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं इसको, 3 4 12, यहाँ से 1 बचेगा, 17 हो गया है, 3 5 15, ओके, लेकिन यहाँ पर 2 बचेगा, 25 हो गया, जो 25 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, फैक्टर नहीं होंगे, तो हम इसको 5 से फैक्टर कर लेते हैं। ओके, इसके फैक्टर हम 5 से कर लेते हैं क्योंकि वो 3 से फैक्टर नहीं हो पाए इसके। देखते हैं, 5 2 10, 3 बचा 37, एंड 5 7 35, 2 बच गया यहाँ पर 25, 5 5 25, फिर से हम इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 5 25, ओके, 2 बच गया 25, 5 5 25, फिर से हम 5 से इसको फैक्टर करेंगे, 5 1 5 5 1 5, नाउ 11, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से ये फैक्टर नहीं होंगे इसके, तो हम इसे 11 1 11 कर सकते हैं। सो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 5 एंड 11, तीनों जो हमारे नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। 3 भी प्राइम नंबर्स है, वो किसी से नहीं कटता, केवल 1 से कटता है या खुद से कटता है। ऐसी 5 भी हमारा 1 और या इटसेल्फ कटेगा, ऐसी 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। सो द फैक्टर ऑफ दिस इक्वल टू 3 × 5 × 5 × 5 × 11, दिस इज द आंसर। पार्ट सी डी आर सेम एज पार्ट ए एंड बी, बिल्कुल वैसे ही आपको ये जो पार्ट दिए गए हैं वो भी ऐसे ही करने हैं। प्राइम नंबर्स का ध्यान रखते हुए इनका फैक्टर करना है। दिस इज ऑल्सो एज अ होमवर्क फॉर यू। थैंक यू वेरी